हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इन इजी इनपुटिंग्स। सो फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया, क्यों इन्वेंट किया और उसके पीछे का रीजन क्या था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, व्हाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट इन टूडेज डेट। सो फ्रेंड्स, बोर्ड पे कुछ पॉइंट है, उसे हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग है रोबस्ट। व्हाई सी लैंग्वेज इज मोर रोबस्ट इन टूडेज डेट। सो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स है। बिल्ट इन फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स मतलब उसे प्री डिफाइन किया है, वो प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स हम कभी भी अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम बचता है प्रोग्राम राइट करने का। सो देन नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है कैपेबिलिटी ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज तो आपको पता होगा कि हार्डवेयर डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता है। जैसे मान लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में जब हम वन प्लस करते हैं तो वन डिस्प्ले होता है, एडिशन का ऑपरेशन करते हैं तो एडिशन डिस्प्ले होती है। सो ये कैसे होता है, कुछ हार्डवेयर डिवाइस के ऊपर प्रोग्रामिंग की रहती है, उस प्रोग्रामिंग को कहते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। सो सी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है। वेरियस सिस्टम सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज 32 कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स का मीनिंग क्या है कि प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि डू, व्हाइल, इफ, एल्स, इसे प्री डिफाइंड वर्ड्स है जो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर किए हैं। इन प्री डिफाइंड वर्ड्स को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, उसका एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है, उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। कंपाइलर ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड हो जाता है जब हम ये कीवर्ड्स यूज करते हैं तो कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी होती है। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअल कीवर्ड्स क्या है। इतना समझ लो कि सी लैंग्वेज में सिर्फ 32 कीवर्ड्स है जिसे हम प्रोग्राम में कभी भी यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब हम एक प्रोग्राम को एक कंप्यूटर पर लिखते हैं तो इजीली हम उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। यह है पोर्टेबिलिटी कंसेप्ट। मतलब सी लैंग्वेज किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं है, अदर प्लेटफॉर्म पे भी हम इजीली रन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग कहते हैं। व्हाई? बिकॉज सी लैंग्वेज का कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। सो उसके लिए सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सटेंडेबिलिटी का। एक्सटेंडेबिलिटी का मतलब क्या है कि सी लैंग्वेज में, जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स हैं, सो सी लैंग्वेज के इन बिल्ट इन फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स को हम प्रोग्राम में कभी भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये स्टॉप होता है क्या? नहीं। सो फ्रेंड्स, हम खुद के ओन फंक्शंस वहाँ पे लिख सकते हैं सी लैंग्वेज में एंड उसे स्टोर कर सकते हैं सी के लाइब्रेरी में एंड उसे कभी भी यूज कर सकते हैं। मान लो एक एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें, एंड देन बार बार उस नंबर को यूज करना, एडिशन करना, ये हमें पॉसिबल नहीं होता। तो एक सिंपली इसे फंक्शन लिखो एंड कहीं तो स्टोर करो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में, एंड देन हमें जब भी चाहे उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर द पॉइंट्स व्हाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट इन टूडेज डेट। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर। We'll see something new in next video. Till the time, thank you, take care and bye. And हाँ, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।